മഹാകായ സൂര്യകോടി സമപ്രഭ ദേവേന്ദ്രം കുന്തിദേവ സർവകാര്യേഷു സർവദാ. नमस्कार दोस्तों. दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी व्याख्या कर पाना आज भी मनुष्य के लिए संभव नहीं हो पाया है. कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें जिनके साथ एक श्राप जुड़ जाता है जो बाद में किसी भी मनुष्य को हानि पहुंचा सकता है, और वो श्राप उस चीज के साथ अनंत काल तक विद्यमान रहता है. आज की कहानी के साथ एक ऐसा ही श्राप जुड़ा हुआ है जिसके बारे में अंत में आपसे बात करूंगा. अभी तो बात करते हैं चुड़ैल की. दोस्तों, कहते हैं चुड़ैल एक ऐसी प्यासी आत्मा होती है जो आसानी से खत्म नहीं होती है. अगर उसे खत्म कर भी दिया जाए तो अपनी किसी चीज के साथ वो जिंदा रहती है, फिर चाहे उसकी चोटी हो, उसके नाखून हो, या फिर उसकी कहानी क्यों ना हो. ये कहानी मेरे एक मित्र ने मुझे सुनाई थी, जिसे गांव के कुछ लोगों ने सुनाई थी. वो सरकारी दफ्तर में जनगणना कर्मचारी था. समय समय पर उसे देश के विभिन्न हिस्सों में घूमना पड़ता था इसी काम को लेकर. और ऐसे ही एक बार वो राजस्थान के एक हिस्से में गया था, जहां पर उसे ये कहानी सुनने को मिली. आगे की कहानी मेरे दोस्त की जबानी. रमेश, तू तो जानता ही है मैं बहुत समय तक लोगों से दूर दूर गांवों में जाकर मिलता रहा हूं, और उनसे बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती है, जिनमें से ज्यादातर तो अफवाहें और अंधविश्वास होते हैं, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी कभी बड़ी अजीब लगती है. उन दिनों राजस्थान के गांव में मैं जनगणना करने गया हुआ था. दिन में रेगिस्तान तपता था तो रात को कड़ाके की सर्दी पड़ती थी. अब गांव में ऐसी तो कोई अच्छी व्यवस्था थी नहीं कि अच्छा सा होटल हो, गर्मा गर्म रजाई हो. गांव वालों की मदद से जो जहां मिल जाता खा लेते और किसी तरह रह लेते. तो उस रात भी काफी ठंड पड़ी थी और हम लोगों को आंगन में ही बिस्तर की व्यवस्था कर दी गई थी. अब खुले में आंगन में सोना ऐसे ही ठंड थी, ऊपर से रजाइयां भी कुछ खास नहीं थी. सो ठंड के मारे नींद तो आ नहीं रही थी. अचानक देखा तो कुछ दूरी पर गांव के कुछ लोग अलाव जलाकर बैठे हुए थे. तो बस हम लोग भी पहुंच गए वहां. आग तापने लगे, शरीर को जैसे जान आ गई. लोग आपस में बातें किए जा रहे थे. कुछ कह रहे थे, बाबा वो कहानी सुनाओ ना. एक थोड़े उम्रदराज व्यक्ति भी वहां बैठे हुए थे. उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, वो कहानी नहीं सुनते, मैंने पहले ही कहा था तुमसे. मैं भी कह उठा, अरे बाबा क्या हुआ, सब कहानी सुनाने की बात करें, सुनाइए ना, रात कट जाएगी भाई, नींद तो आने वाली नहीं इतनी ठंड में. आंख तापते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे में कोई अच्छी सी कहानी हो जाए तो मजा आ जाए. बाबू साहब, आप लोग शहरी लोग हैं, ये सब बातें नहीं मानते हैं, मगर ये लोग जिस कहानी को सुनाने कह रहे हैं वो बहुत खतरनाक कहानी है. उसको सुनने के बाद सुनने वाले को कोई ना कोई तकलीफ जरूर होती है. अरे ऐसा कुछ नहीं होता है बाबा, ये सब अंधविश्वास है. साहब, कुछ बातें सच में होती है और उन्हें मानना चाहिए. अरे ठीक है, चलिए मैं अपने रिस्क पर सुनने को तैयार हूँ, आप सुनाइए. देख लो साहब, फिर कुछ हो ना. ये कहानी हमारे गांव के ठाकुर घराने की है. आज वो घराना लगभग नष्ट सा हो चुका है, मगर एक समय उनकी शानो शौकत में कोई कमी नहीं थी. राजाओं से उनकी जिंदगी थी, और ऐसे ही एक पीढ़ी में थे ठाकुर रणवीर प्रताप सिंह. शेर की सी उनकी पर्सनालिटी, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे जीता जागता कोई शेर जी रहा है.
गांव वालों के लिए उन्होंने बहुत से भले काम किए, किसी की मदद को हमेशा तत्पर रहते, और कोई अगर बुरा करता तो शेर की तरह उस पर तहाड़ उठते। दुश्मनों के लिए तो जैसे काल थे, किसी भी दुष्ट और बुरे व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने खड़ा हो सकता। उनका इकलौता बेटा था ठाकुर जन्मेजय सिंह, जैसा नाम वैसा ही रूप और वैसी ही व्यक्तित्व, अपने पिता से दो कदम आगे थे। गांव की लड़कियां तो जैसे उन पर मरती थी, सबके सपने में बस जन्मेजय ठाकुर ही आते थे। सब चाहते थे कि सपनों का राजकुमार घोड़े पे बैठकर आए तो जन्मेजय ही आए, मगर सबका दिल तोड़कर एक दिन जन्मेजय रतन को अपने साथ ले आए। जन्मेजय शहर में पढ़ने जाते थे और वहीं कॉलेज में रतन से मुलाकात हुई। जब जन्मेजय उसे घर लेकर आए तो पिता की अनुमति से बिना ही विवाह हो चुका था, मगर पिता भी बेटे पर जान छिड़कते थे, सो रतन के घर आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। रतन गुजरात से थी, उसने आते ही ठाकुर साहब को कहा, जय जिनेन्द्र बापूजी। जन्मेजय ने कहा, पापा ये आपको गणी खम्मा बोल रही। हमें पता है बेटा, हमारा गणी खम्मा हो चाहे इनका जय जिनेन्द्र, सभी प्यारे हैं। आओ बहू। वैसे रतन के बारे में अगर ये कहा जाए तो सचमुच रतन ही थी। वही गांव की लड़कियों का दिल जरूर टूटा था, मगर रतन को देखकर तो सबके दिल में यही बात थी कि शायद जन्मेजय के लिए अगर कोई बनी थी तो रतन ही बनी थी। रतन के आने से घर जैसे निहाल हो गया, हर काम और अच्छे से होने लगा। पालिया लिया छनकाती रतन सारे घर में घूमती फिरती, और अगर कभी जन्मेजय से दूर चली जाती और पायल की आवाज न सुनाई देती तो जन्मेजय घबरा उठते और बोल पड़ते, रतन कहाँ हो तुम? और रतन कहती, अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, अब तो जान लेकर ही जाऊंगी। जन्मेजय इस बात को समझ नहीं पाते, उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर काश ध्यान दे लेते। जन्मेजय ने विवाह करते समय इस बात का कोई भी ख्याल नहीं रखा था कि रतन के परिवार से कोई नहीं था, उसने अपने आप को अनाथ बताया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन ठाकुर परिवार कहीं भ्रमण पर जाने वाला था, तभी उनका ग्वाला आकर बोला, मालिक एक तकलीफ आ गई है। क्या हुआ? मालिक गौशाला की गाय मर गई। तो अब क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि एक गाय के मरने का हम शोक मनाए? दूसरी गाय खरीद दो। मालिक बात ऐसी नहीं है, पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब बातें हो रही है, सारी गाय सूखती जा रही है, ऐसा लगता है जैसे जैसे किसी ने उनका खून पिया हो, और ज्यादा दिन वो बचेंगे नहीं। सब लोग चौंक उठे, ऐसा लगा जैसे कोई जानवर घुस आया है जो गायों का खून पी रहा है, मगर ऐसा कौन सा जानवर हो सकता था। जन्मेजय को भी ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि एक रात जब उसने देखा तो रतन बिस्तर पर नहीं थी। वो उठकर उसे खोजने लगे, रतन रतन। अचानक रतन आ गई। क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तुम? अरे पानी पीने गई थी भाई, जा भी नहीं सकती क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मगर उसके बाद घर के नौकर ने जो बात कही उससे जन्मेजय थोड़ा घबरा गए। नौकर ने बताया, मालिक मलकिन रोज रात को उठकर गौशाला की तरफ चली जाती है और फिर बहुत देर बाद वापस आती है। क्या ऐसा? जन्मेजय इस बात से घबरा उठे। एक रात उन्होंने जो कुछ देखा उसके बाद तो उनकी घबराहट और बढ़ गई।
उन्होंने देखा कि रतन गौशाला में एक गाय के गर्दन पर झुकी हुई थी, और जब वहां से हटी तो गाय के गर्दन से खून बह रहा था। जन्मेजय ने पहले से कोई सामान्य पूजा पाठ समझा और पिता से यह बात नहीं कही। हां, लोगों को आदेश दिया कि गायों को बहुत दूर ले जाकर कड़ी सुरक्षा में रखा जाए। एक दो रात तक रतन गायों को खोजती रही, मगर जब वो गाय नहीं मिली तो धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, वो बीमार से रहने लगी। डॉक्टरों ने काफी दवाई और इलाज कराई, मगर उसकी कमजोरी किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रही थी। एक रात जन्मेजय रतन की सेवा में लगे हुए थे, तभी रतन बोल पड़ी, मैं इसे ठीक नहीं होंगी, मुझे ठीक करना है तो खून चाहिए। तुमने गायों को यहाँ से क्यों हटा दिया? देखो रतन, तुम जो भी कर रही हो वो अच्छा नहीं है। गाय हमारी माता है, उनकी सेवा करनी चाहिए। मगर मैं खून पिए बिना नहीं रह सकती। क्या मतलब? तुमने मेरे बारे में कभी पता नहीं किया ना? मैं रतन नहीं हूँ। मुझे इस बात का एहसास हो गया था। कौन हो तुम? अचानक रतन का रूप जैसे बदल गया, वो बहुत ही खतरनाक दिखने लगी और बोली, मैं राका चुड़ैल हूँ। मैं तुझ पर बहुत दिनों से नजर रखी हुई थी, मगर तुझे पा नहीं सक रही थी, इसलिए रोग बदल कर तेरे पास आई और तू मेरा पति बन गया। अब अपना पति धर्म निभा, दे मुझे अपना खून, तभी मुझे ताकत मिलेगी। जन्मेजय कुछ कर पाते इससे पहले ही राका उसकी छाती पर चढ़ बैठी और उसकी गर्दन में दांत कड़ा दिया। जन्मेजय एक दबी सी चीख चीख गया और इस दुनिया से विदा हो गया। पिता को पुत्र की चीख सुनाई दे गई थी, वो बंदूक हाथ में लिए हुए दौड़े हुए आए, मगर तब तक राका उनके सीने पर भी चढ़ बैठी और उनके शरीर से भी खून पीकर उनकी प्राणों को निकाल ही रही थी कि घर के नौकरों ने उन्हें देख लिया। फिर तो जैसे गांव में कोलाहल मच गया। लोगों ने राका को रस्सियों से बांधकर गांव के बीच ले गए और वहां पर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। राका चीखती चिल्लाती तड़पती रही और उसी के साथ उसकी मौत हो गई। कहानी तो काफी अच्छी थी बाबा, मगर इसके साथ अभिशाप कौन सा जुड़ा है? साहब, राका जलकर मर जरूर गई थी मगर मरी नहीं थी। आज भी इस कहानी के साथ राका इधर से उधर जाती है। इस कहानी को जो भी सुनता है राका उसके पास जरूर आती है। दोस्तों, इसके बाद मेरा मित्र चुप हो गया। मैंने उसे पूछना चाहा क्या राका उसके पास आई थी, मगर उसने बस मुझसे इतना कहा कि पीछे मुड़कर देखो। आप भी जरा पीछे मुड़कर देखिए, कहीं आपके आसपास भी तो राका नहीं आ गई है। एक बार तो आप जरूर इधर उधर मुड़कर देखे होंगे। क्या बात है भाई। खैर, ये सच में एक कहानी ही थी और अगली कहानी लेकर आप लोगों के बीच बहुत जल्दी आऊंगा। चलिए, गुड बाय।